आज मैं KEI इंडस्ट्रीज की क्विक एनालिसिस करने वाला हूँ। इसकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैं पहले भी कर चुका हूँ जब यह स्टॉक 200 टू 300 के लेवल पे था। अब यह स्टॉक 700 लेवल पार कर चुका है। बने रहिए इस वीडियो के साथ जानने के लिए कि आप शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के अंदर क्या कमा सकते हैं या क्या गंवा सकते हैं। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो KEI इंडस्ट्रीज की तीन मेन प्रोजेक्ट्स हैं, एक तीन मेन प्रोडक्ट लाइन है। पहला है केबल बिजनेस, दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मतलब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की केबल होती है जो कि सबमर्सिबल होता है, लाइक जो समुद्र के नीचे से जो केबल पार होती है, या तो फिर ऑटोमोबाइल या तो ऑयल इंडस्ट्री में इस टाइप के केबल्स यूज होते हैं, या तो फिर टर्न की प्रोजेक्ट में इस कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट है, लाइक अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंदर। KEI इंडस्ट्रीज फ्यू प्लेयर है मार्केट के अंदर जो कि 400 किलोवाट की केबल मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं। सब बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है इंटरनेशनल मार्केट में, सब कंपनी ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होता है। दूसरा, इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है थ्रू इंटरनेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर से। दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा से काफ़ी स्टेबल रही है, उससे फ़ायदा ये होता है कि ये कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट कर पाता है और R&D को भी अच्छे से डेवलप कर पाता है, वहाँ पे भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर पाता है ताकि न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सके और अच्छी डेवलपमेंट कर सके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। इस कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड भी काफ़ी कंपनी का स्ट्रॉन्ग रहा है, लाइक अच्छा टाइमली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है और अच्छे से कंप्लीट करके इस कंपनी ने दिया है। सफिशियंट कैश रिजर्व है कंपनी के पास, इससे क्या फ़ायदा होता है, कंपनी चाहे तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी ले सकता है, लाइक उसके अंदर भी कंपनी काम कर सकता है। उस टाइप के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के पास काफ़ी पैसा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि जो भी आप कुछ नया फैक्ट्री या तो कुछ नया प्लांट जब सेटअप करते हैं फॉरेन लैंड में, वो भी पूरे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। आप ये नहीं कि ऑलरेडी किसी ने बना दिया था आप उससे खरीद लिए, वैसा नहीं होता। स्क्रैच से, लाइक फ्रॉम ग्राउंड से आप स्टार्ट करके उसको डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस कंपनी की ऑल इंडिया प्रेजेंस है, ये तो यहाँ पे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा था, गांव-गांव में हर एक जगह कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है रिटेल मार्केट के अंदर भी। इस सबसे क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, अच्छा कंपनी को ग्रोथ मिल रहा है इस वजह से, ताकि कंपनी का देखो फंड कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, कंपनी के पास R&D में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, कंपनी के पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक या तो लिमिटेड ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड प्लेयर्स ही बना रहे हैं मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट इस कंपनी को काफ़ी गवर्नमेंट के थ्रू या तो प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के थ्रू काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वाले ऑर्डर मिलता रहता है रेगुलर बेसिस में, तो यहाँ से कंपनी का अच्छा फायदा होता है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी हाई रहा है 21.5% में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू बहुत सारे अदर इंडस्ट्री के अंदर। अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत कम होता है, इतना नहीं होता, कोई इंडस्ट्री में तो 8% या 9% या तो 11% ऐसा होता है, 15% को भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21%, जो कि बाकी कंपनी से इस फील्ड के अंदर या तो दूसरे फील्ड के अंदर, लाइक दूसरे सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बेहतर है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो भी आपने कैप इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस के अंदर, उससे आप क्या उस कैपिटल से क्या रिटर्न निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल, अगर आप अपने FD में कुछ पैसे रखते हो, वो एक टाइप का आपका कैपिटल हो गया, उससे आप क्या रिटर्न निकाल पाओगे, 6% या 7% रिटर्न निकाल पाओगे ईयरली, राइट। बट यहाँ पे कंपनी उस पैसे से, जो भी पैसा है उनके पास, उससे वो 21.5% का रिटर्न निकाल पा रहे ईयर ऑन ईयर, जो कि काफ़ी बेहतर है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक 34.3%, जो कि बहुत कम कंपनी इस लेवल तक पहुँच पाते हैं कि 34.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो प्रॉफिट के अंदर। सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स 12% से ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे दिमाग में रखने वाली ये बात है कि कंपनी के जो सेल्स है वो 12% से ग्रो हो रहा है, लेकिन इनका प्रॉफिट 34% से ग्रो हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है एफिशिएंसी कंपनी का बढ़ते जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, क्योंकि सेल्स जितना बढ़ उस हिसाब से कॉस्ट नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पे ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। आगे इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है विद टाइम। चल बने रहिए इस चैनल के साथ। एट प्रेजेंट जो कंपनी की PE रेशियो है वो अराउंड 23 है, इसका मीडियन PE 19 रहा है, इंडस्ट्री PE अराउंड 38 है, 38 टू 39 है। तो कंपनी का यहाँ पे मुझे लगता है कि
आगे और ऊपर जाने का भी स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी का मेडियन 19 है, अभी 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 जब ये मेडियन को क्रॉस किया है। एक्चुअली अगर आप इसको ग्राफ में डाल के देखोगे बॉलिंजर बैंड में, तो अभी ये मिडिल बैंड में है, अपर बैंड को टच करके वापस अभी नीचे आया है थोड़ा सा, तो मिडिल बैंड में काफ़ी स्पेस है ऊपर जाने के लिए टेक्निकली उसको एनालाइज भी करोगे तो। ठीक है, तो कंपनी अभी रिसेंटली अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, अराउंड 650 लेवल पर इस कंपनी का रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर इसकी प्राइस रेंज अराउंड 850 टू 900 हो सकती है, जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है और जितना पी रेशियो के अंदर भी काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है कि ये कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम के में, शॉर्ट टाइम में। तो जैसा कि आपको मैं पहले बोल रहा था कि पी ई रेशियो के बारे में, यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का कैसे अभी मेडियन पे है, पहले 40 तक भी पी रेशियो गया था, उसके बाद नीचे भी आया था जब मार्केट फॉल हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी अराउंड 23 में है, जो कि मीडियन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, काफ़ी ऊपर जाने का स्कोप है पी ई चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो। और इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंप्रूव हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर। देखिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो आप पढ़ते जाइए यहाँ पे कैसे कि हर एक साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। और सेल्स को भी आप देख सकते हैं, सेल्स भी कैसे ईयर ऑन ईयर यहाँ इस कंपनी का बढ़ रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर हमें। ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कंपनी का फ्लैट रहा है, ऑब्वियसली कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, थोड़ा सा बट हमें मानना पड़ेगा इफेक्ट हुआ है, जाकि कंपनी को हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है, रिटेल मार्केट के अंदर अच्छी परचेज नहीं आई है, लाइक डीलर से ऑर्डर नहीं मिला बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से, काफ़ी बिजनेस इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली ये कंपनी को भी थोड़ा इफेक्ट हुआ, इसलिए इस कंपनी के अंदर सेल्स में ग्रोथ आपको नहीं नज़र आएगा 2021 के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली कंपनी का एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का लोन में भी कमी आई है, उस वजह से कंपनी का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस गिर गया है, और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा कंपेयर टू पास्ट। ठीक है, भले कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ा है लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जरूर बढ़ा है और ईपीएस भी बढ़ा है। ये एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट भी लाइक क्वार्टर रिपोर्ट की तरह लाइक एनुअली कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है वही कोविड की वजह से, बट कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस में ग्रोथ जरूर आई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैं पहले आपको बोल रहा था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो ये इस चार्ट में आप देखिए कि कैसे ये अभी अभी अपर बैंड को, जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड होता है जो कि एक टाइप का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मिडिल बैंड जो कि इसका हमेशा एवरेज रहता है, तो एवरेज से कैसे अपर की तरह अपर बैंड की तरफ ने इसका कंपनी ने ब्रेक किया है स्टॉक प्राइस ने रिसेंटली, एंड ब्रेक करके वापस डाउन आया है मिडिल बैंड को टच करके, वहाँ पे उसने सपोर्ट लेके वापस अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम 850 लेवल तो होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का। आप देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म से जिस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से जो एक रेजिस्टेंस रहा था अराउंड 550-600 के लेवल पे, उस प्राइस को इसने ब्रेक कर दिया है अराउंड। आप देख सकते हैं जैसे कि इस कंपनी का हमेशा से रेजिस्टेंस रहा है 550-600 के लेवल पर, इस कंपनी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है, तो आने वाले टाइम में मुझे 850 तक का प्राइस नज़र आता है। बट कुछ भी परचेज डिसीजन वो आपको आपके बेसिस में लेना है, मेरा सुन के नहीं लेना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट आपको अपनी खुद की रिसर्च करके बेस्ड ऑन योर डिसीजन आपको बाय डिसीजन लेना है, मेरे कहने से नहीं लेना है, आपको अपना खुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी फ्यूचर में देखने को मिले। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर।